चलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल दोनों के लिए रहेगा। आज एक ही वीडियो के अंदर दोनों का एनालिसिस रहने वाला आपके लिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर आपके लिए जो इंपोर्टेंट सिलेबस होने वाले आने वाले वीक के अंदर, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एंड जो जो आपके लिए इंपोर्टेंट जोन लेवल्स जो जो रहेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दूंगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा कैंडलस्टिक बन रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, सब कुछ अपन चर्चा करेंगे। तो आइए इधर फोकस करिएगा। जैसे पहले क्रूड ऑयल की बात करता हूँ कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। तो आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो ये एक लेवल था बहुत ही शानदार, ये वाला। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ दी, देखो बहुत प्यारी बड़ी कैंडल दी। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा मार्केट वापस से रिकवरी करता है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ये वीकली टाइम फ्रेम है, ऊपर गया, ऊपर फिर सस्टेन हुआ, फिर लो बनाया। मीन्स आप यहाँ देखोगे ये इस हाई से इस लो का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स देखो समझना, ये प्राइस एक्शन से अभी लेवल नहीं मार्क करूँगा, लेवल थोड़ा देर में मार्क करेंगे। ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, फिर ये हाई बना। तो ये पहले तो हाई राइड चल रहा, देखो हाई राइड, अब क्या होगा, लोअर लो का फॉर्मेशन चालू हो गया। अब जैसे ये स्विंग टूटेगा, बढ़िया मूवमेंट आएगा, फिर ये फॉर्मेशन चालू हो जाएगा लोअर लो वाला। हालांकि बन गया, दो चीज़ें होते हैं अपने को, एक ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो लोअर लो मिल चुके अपने को। तो वैसे तो फॉर्मेशन डाउन साइड का चालू हो गया, बट अभी अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक ये स्विंग लो नहीं ब्रेक होता है प्रीवियस वाला। यह है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस। ये जब तक स्विंग ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक अपन नहीं बोल सकते कि एकदम परफेक्ट डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। तो बात करते हैं आपके लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनके ऊपर। तो आइए देखते हैं, थोड़ा लेवल मार्क करते हैं। यहाँ पर एक जो लेवल आ रहा है आपके लिए निकल के आ रहा है परफेक्ट वाला, ये देखो 6815। वो 6815 से 6800 की जोन है, ये क्या है, 6800 से 6820 वाला जोन मानो आप इसे। मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, यहां पर लिख देते हैं इसको, बिल्कुल टाइप कर देते हैं तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम परफेक्ट रेंज है। अभी इसको अपन छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे ना, तो और परफेक्ट आपको रेंज मिल जाएगी। एक लेवल तो ये होगी आपके लिए। एक और लेवल मैं आपको बता रहा हूं, 7050 का लेवल। 7050 का लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल देखो, मैं जो निकाल रहा हूँ आप सभी मार्क कर लीजिएगा, बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जोन और बनाऊँ आपके लिए, 7050 से 7080 की एक रेंज है ये, जो मैंने यहाँ मार्क कर दी है। ठीक है, ये दो लेवल हो गए। एक और लेवल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, 6930 वाली रेंज, कितनी, 6930, ये भी मार्क कर लो आप। ओके, यहां पर मैं एक जोन आपको और दे देता हूं बना के, 6930 से 6915 की रेंज आ रही है। ठीक है, इसको भी अपन यहां से मार्क कर लेते हैं, 6930 से 6915 की रेंज आ रही है ना, ये मार्क कर लिया। ये लेवल्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब आइए इनको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। तो डे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरह से ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब और कुछ लेवल लगाने होंगे अपने को यहाँ पर, जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, 7156 और 7156 से 7180 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट हो गया आप देख लेना। ठीक है, अभी एक बार आप मार्क कर लेना इनको, मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ आपको, बहुत प्यारे लेवल होने वाला आपके लिए। हाँ, अब क्या हो गया कि देखो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, वो समझना थोड़ी, देखिएगा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया है, यहाँ से लिया है, क्या वो यहाँ आया, यहाँ से बाउंस बैक ऊपर गया, ये एक स्लो ट्रेंड था ये वाला, मतलब एक देखा जाए तो बेरिश फ्लैग यहाँ पर बनता हुआ दिखा था अपने को, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आ गया, बिल्कुल आ गया है। तो अब देखो ये जो मैंने आपको लेवल दिया है, ये वाला, ये जो जोन दिया है आपको यहाँ बना के, देखिएगा आप 6945 से 6930 का जो रेंज दिया है, ये यदि ब्रेक होता है इस बार, तो आपके लिए टारगेट्स ये वाले बनेंगे, 6800 से 6815 का टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला यहां तक के लिए। देन ये 6800 ब्रेक हुआ,
तो फिर मार्केट में बड़ी तबाही आएगी डाउन साइड के लिए, बड़ा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। और जो लेवल्स बनेंगे आपके लिए बता देता हूँ कहाँ तक के बनेंगे और कहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 6640 से 6620, 6640 और 6620 का लेवल आपके लिए बनेगा डाउन साइड के लिए, तो आप ये मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन है पूरा, एंड इसके नीचे मार्केट निकलता है। और वैसे भी आप सभी समझ रहे हो कि अभी मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये लेवल आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं, 6500 और 6480 ये लेवल है आपके लिए डाउन साइड के लिए। इस आने वाले वीक के अंदर मार्केट में इतना आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा डाउन साइड, यदि मार्केट इस बार ब्रेक कर देता है तो। हाँ, आपके लिए जो मैंने इम्पोर्टेंट लेवल जो बताया ना अभी, ये वाला बताया था 6945 से 6930, ये लेवल ब्रेक होगा 6815 से 6800 की रेंज है, ये ब्रेक हुई तो डायरेक्ट आपको 6645 से 6620 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए 6500 से 6480 का रेंज है, ठीक है। तो ये डाउन साइड के टारगेट्स ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और मार्केट ने यही यहाँ से ये डबल बॉटम ये आया, मार्केट इस तरह का पैटर्न बना के फिर ऊपर जाना लगता है, यहाँ से W बना के ऊपर जाने लगता है। जो ये फ्लैग बना है ये फ्लैग वर्क नहीं करता है, और ये फ्लैग वर्क नहीं करेगा तो ये डबल बॉटम जो बना है ये वर्क करके ऊपर निकलेगा मार्केट। तो क्या लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में दोनों डायरेक्शन अपने को क्लियर होना चाहिए, किसके ऊपर अपने को बुल या किसके ऊपर बियर बनना है अपने को, ठीक है। तो देखिए अभी जो इसने लास्ट दिन ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट में लगा रखा, लास्ट दिन इसने हाई लगाया था 7154 का हाई लगाया था, जो मैंने यहाँ मार्क करा है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर 7154 यानी 7150 और 7160 ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये मैंने मार्क करी है, सॉरी 7180 ये रेंज, ये जो 30 पॉइंट की रेंज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये यदि ब्रेक हुई और इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन हुआ और उसका हाई ब्रेक हुआ तो आपके लिए अच्छे खासे बुल टारगेट देखने को मिलेंगे, जो मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ यहाँ से। क्योंकि ये वो लेवल है जो डिसाइड करेगा मार्केट यहाँ से किस साइड एक बड़ा मूवमेंट तैयार करेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से जो आपके लिए टारगेट्स बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं। 7180 के बाद जो आपको देखने को मिलेंगे, एक टारगेट दिख रहा है 7280 का, डायरेक्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा ये 7280 का, ये आप मार्क कर लो 7280। और 7280 के बाद डायरेक्ट यहाँ से जो मार्केट जाता है वो दिखेगा आपको 7340 वाली रेंज है, कितनी 7340, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप हल्के में ना लें, ठीक है। और इसके बाद जो आपको एक और मूवमेंट दिखेगा वो दिखेगा डायरेक्ट यहाँ से मान के 7431 का लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल आपके लिए रहेंगे अपर साइड के लिए, एक बार यहाँ से देख लो 7160 से 7180 का लेवल यदि ब्रेक होता है, जो जोन मैंने आपको दिया है, तो इसके बाद ऊपर कैंडल सस्टेन हुआ, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन हुआ और उसका हाई ब्रेक हुआ 7280 के बाद आपको 7340 के बाद 7430, ये लेवल्स अपर साइड के लिए रहेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट 7431 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपके लिए मान के चलो यहाँ से 7520 और 7540 का जोन सबसे इम्पोर्टेंट जोन है। ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको 8000 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे अपर साइड के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन लेवल्स का, ये आपका रहने वाला है पूरा का पूरा क्रूडल का एनालिसिस वीडियो। आइए इसके बाद नेचुरल गैस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये बहुत आप सभी मार्क कर लीजिएगा, इसको छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो मैंने मार्क करें किस तरह से आपको दिखेंगे, इस तरह से आपको ये लेवल दिखेंगे। यहाँ पर चाहो ना जो मैंने लेवल दिया ना इसके थोड़ा बफर आप ले लेना, ये इस तरह से, ठीक है, 10-10 पॉइंट का ऊपर नीचे बफर आप ले लीजिएगा। आइए थोड़ा नेचुरल गैस के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं अब। तो नेचुरल गैस की बात करूँ तो देखो नेचुरल गैस के ऊपर आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो बना के दिया था उसमें जो लेवल्स मैंने मार्क करके दिए थे वो सारे लेवल वर्क किए हैं, परफेक्टली वर्क किए हैं और धमाका हुआ है उनके ऊपर। तो आइए इस बार आपके लिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग ये देखो हायर आए, ये इस रेंज में चल रहा है, मतलब एक जिगजैग पैटर्न में एक जोन में चल रहा है देखा जाए तो। तो क्या हुआ है कि अब यहाँ से ये लेवल था इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन तो किया, देखो ये कैंडल्स
और रिट्रेसमेंट भी किया है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर ही मार्केट गया है और हाई बना लिया है। ये मार्केट के लिए एक बुल साइन होगा, यदि ये मार्केट के लिए एक बुल साइन होगा, मेरी बात समझना, तो मार्केट फिर यहां से रुकने वाला नहीं, 450 के लेवल आपको दिखा देगा। अब मार्केट के लिए जो इंपोर्टेंट जोन है डाउन साइड के लिए, वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, बहुत बड़ा जोन है बट मार्क करना जरूरी है वो कहीं ना कहीं। ये देखो, देखिए मार्केट जब जब यहाँ से आया बहुत शानदार सेलिंग दी, यहाँ आया सेलिंग दी, यहाँ आया इसको सेलिंग नहीं देनी थी तो बाइंग दी, फिर आए यहाँ से बाउंस बैक दिया, बहुत बड़ा बाउंस बैक दिया इस कैंडल में, वीकली कैंडल है ये, ठीक है, तो इतना बड़ा बाउंस बैक, तो आप सोच सकते हो कि बाइंग में शायद ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों को। और अभी जो ये पैटर्न बना है ना, ये वन वे हो सकता है, यहाँ से एकदम यहाँ तक के टारगेट्स जो मुझे दिख रहा है ना, जो मुझे लग रहा है वो यहाँ तक के लिए वन वे हो सकता है 400 तक के लिए। 400 से पहले एक छोटा सा हर्डल यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपने को, ये वाला 313 वाला। तो आइए इसमें भी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट दे देता हूँ लेवल्स। जैसे क्लोजिंग इसने दिया है 291.5 का है ना, ये क्लोजिंग इसने दिया है। यहाँ से वापस से इसको देखो ऊपर जाना है तो कुछ यहाँ पर अभी जो हाई बना है कल के दिन में उसके लेवल्स आपको मार्क करने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल वही बन रहा अभी तो अपर साइड के लिए, तो आइए मार्क कर लेते हैं सारी चीज़ें। मैं मार्क कर देता हूँ, ट्रेन लाइन की रिस्पेक्ट भी हो रही नीचे से, और अभी जो एक ये वाली ट्रेन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट अब आपके लिए वर्क करेगी, ये एक पैटर्न बन गया पूरा का पूरा ये। तो मेरे हिसाब से आपको फुली बुलिश यदि बनना है तो 314 के ऊपर आप एक बुल मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। 314 के ऊपर निकला ना तो मान के चलो कि 403 की रैली है पूरी, कितनी 403 की रैली होने वाली पूरी, यहां से मान के चलो 90 पॉइंट का एक अप मूव आने वाला है। बट यदि ये पैटर्न जो बन रहा है और ये यहीं से ख़त्म हो जाता है, ये जो चल रहा है ये चल रहा है और ये यहीं से डबल टॉप बना लेता है ये, और यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो फिर ये समझ लो कि आने वाले समय में 120 के लेवल आपके लिए पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बट इतना दूर अपन नहीं जाते, अपन इंट्राडे के हिसाब से मार्क करते हैं इसको, डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क कर लेते हैं। अभी डे टाइम फ्रेम अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आइए मैं आपके लिए जो मेरे मैजिकल बेस्ट नंबर है वही मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। तो 7291.5 पर क्लोजिंग दिया, तो अब डाउन साइड के लिए जो लेवल रहेगा आपके लिए 283 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से 283 का एक इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ तक का टारगेट्स आपको पहले देखने को मिलेगा 283, ठीक है। यदि 283 निकलता है, 283 के बाद आपके लिए जो टारगेट बचेगा यहाँ से वो बचेगा एक जो इम्पोर्टेंट है 277 का लेवल, वो भी आप मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 277 का लेवल, ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर, है ना। दो लेवल हो गए डाउन साइड के लिए, अभी जो चल रहा है यहाँ से एक लेवल और यहाँ मार्क कर लो 289 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि प्रीवियस में यहाँ से ही बहुत बड़ी सेलिंग अपने को देखने को मिली थी। 287 और 289 ये एक जोन है पूरा, ये डिसाइड करेगा इसके नीचे यदि मार्केट गया इस बार। देखो 287 और 289 जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, ये 287 और 289 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से यदि मार्केट को बाउंस बैक लेना होगा तो बढ़िया बाउंस बैक लेके ऊपर निकल जाएगा। और इसके नीचे आ गया क्योंकि ये स्विंग है, इसके नीचे मार्केट वापस से आ गया तो समझ लो कि डबल टॉप बन गया है मार्केट में, और अब मार्केट की गिरावट चालू होने वाली है। और 287 फर्स्ट टारगेट होगा इस रेंज के बाद, 287 और 289 का जो जोन है ये ब्रेक होता है, तो यहां से 277 फर्स्ट टारगेट है ये वाला। 277 के बाद एक और मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, उसको भी आप मार्क कर लो डाउन साइड के लिए, ठीक है, वो भी आप मार्क कर लीजिएगा। 287 के बाद आपके लिए जो बनेगा यहाँ से और डायरेक्ट 268 का लेवल है, कितना 268 का लेवल है, और 268 के बाद आप मान के चलो कि 250 जो अपना 255.8 का लेवल आ रहा है डायरेक्ट यहाँ से, बड़े बड़े मूवमेंट रहेंगे इस बार, बड़े मूवमेंट है थोड़े, 255.8, ठीक है, ये यहाँ तक का, और ये ब्रेक होता है तो फिर डायरेक्ट आपके लिए यहाँ से 247 का लेवल इंपॉर्टेंट है ही, आप सभी जानते ही हो, वो लेवल आपके लिए टारगेट के रूप में देखने को मिलेगा। ये है डाउन साइड के लिए व्यू रहेंगे, ये डाउन साइड के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और रही बात अपर साइड की, तो यहाँ से जो अभी इसने ये हाई बना था 204 का, आपको पता है 204 से अपन ने सेलिंग भी पकड़ी थी, यदि किस किस ने पकड़ी हो जो मेरे साथ लाइव में जुड़ा हो और 10 पॉइंट का मूवमेंट जिसने कैचअप किया हो जरूर लिखिएगा कि सर मैंने कैचअप किया था,
ठीक है। अब जो यहाँ पर 204 का हाई लगा था, 204 से 203 की यहाँ रेंज थी, कितनी 203 से 204 की रेंज थी। अब मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज देता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे 309। ये मैंने 300 ही बोला हूँ ना, ध्यान रखना 303 और 304। तो ये 309 का टारगेट रहेगा इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद 309 से 313 के टारगेट्स आपको फर्स्ट देखने के मिलेंगे। 313 के यहाँ मार्केट थोड़ा रुकता है और मार्केट इन लेवल्स को 313 से ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज डाल के उसका हाई ब्रेक करता है, तो आपके लिए 321 का फर्स्ट टारगेट है और 321 के बाद 327 का फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा और 327 के बाद डायरेक्ट आपको 333 का टारगेट देखने को मिलेगा। ये आपके लिए इस आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है बुल साइड के लिए, तो आप इनको भी ध्यान में रख सकते हो। वीडियो थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। आज दोनों का ही मैंने एक ही वीडियो बनाया क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना था, बहुत जल्दी में वीडियो बनाना था, इस कारण से थोड़ा जल्दबाजी भी रही है वीडियो के अंदर। तो थोड़ा आप अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट मारिएगा, कुछ समझ में ना आया हो तो आप भी लेवल मार्क करने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये पूरे लेवल्स आपके लिए एक एजुकेशनली पर्पज़ है कि आप इनसे कुछ सीखो और आप भी इस तरह के मार्क करना सीखो, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट होती है लेवल्स की। तो आप भी सीखो, नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, मैं सिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि मुझे इच्छा है कि आप सीखोगे तभी पैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और आपको और कुछ कमेंट आए ना आए कोई बढ़िया सा तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप सभी का इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनी रहिए और आइए मंडे से मिलते हैं लाइव के अंदर। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना।